पहले से जब निर्धारित था विधानसभा मार्च, बिहार की जनता को इस कुमकर्णी सरकार के आँख और कान को खोलने के लिए और सत्ता के मद के चूर को छिपाने के लिए सारी बातें हैं, वहाँ उनके कौन पुलिस थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, जिस तरीका से प्रहार हुआ था वह तो पूरे जान से मारने की नियति ही दिख रही थी, लेकिन जिस तरीका से गुंडागर्दी के रूप में सरकार ने यह लाठी चलाने का काम किया है उसको इस राज्य की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, लाइव सिटीज़ की टीम इस वक्त IGIMS में मौजूद है। आपको मालूम है कि 13 तारीख को क्या हुआ था, आपने देखा था कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, बीजेपी समर्थकों के ऊपर और बीजेपी माननीयों के ऊपर भी पुलिस ने जमकर लाठियाँ भांजी थी। और आपको ये भी मालूम है कि उस दिन सांसद, बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल भी घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें IGIMS में भर्ती कराया गया है। और आज हमने उनसे बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने पहली बार ऑन कैमरा क्या कुछ कहा है। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जनार्दन जी मौजूद हैं। तो जनार्दन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? नहीं, दवा चल रही है, चिकित्सकों के अनुसार मैंने पहले से तो बेटर फील भी कर रहा हूँ अभी, लेकिन क्योंकि गहन चिकित्सा में हूँ, सर पर भी चोटें आई, देख रहे हैं कहाँ कहाँ चोटें आई हैं मैम, आप देख रहे हैं, आप लोगों ने जो फुटेज चलाया है, हमने तो नेक्स्ट डे देखा कि चारों तरफ से चौतरफा जब लाठियाँ चलाई जा रही थी तो हर जगह चोट लगा है, कपार पर भी, ऊपर भी, सर पर भी, हाथ में भी, अभी भी तकलीफ है। हाँ, दर्द है, तकलीफ है, चोट लाई है, दर्द तकलीफ तो रहेगा ही, है भी वैसा ही जी, जी। अच्छा, ये बताइए डिस्चार्ज कब तक करेंगे डॉक्टर, क्या कुछ बता रहे हैं? अभी तो नहीं पता है, लेकिन हम अपने चाह रहे हैं कि हमको छोड़े, लेकिन डॉक्टरों का जो सजेशन होगा देखेंगे। अच्छा, अभी जांच टीम भी यहाँ पर आई थी, जेपी नड्डा ने जो 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है वो भी अभी यहाँ पर आई है, आपसे मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई है? नहीं, वो तो जांच टीम है, अपने पूरी तहकीकात करने के लिए आई है, क्योंकि ऐसी बर्बरता पूर्वक के कार्रवाई जो हुई है इस सरकार के मूर्खता का भी परिचायक है और विधान कानून को ताक पर रखने का भी परिचायक है। ऐसे हम लोग जब लालू जी भी थे, उनका जंगल राज भी था, उस समय भी धरना प्रदर्शन होते रहे, उस समय आज के मुख्यमंत्री जी भी धरना प्रदर्शन में रहते थे, लेकिन ऐसी कार्रवाई उस समय भी नहीं हुई थी कभी, वो अरेस्ट करो, बहुत प्रतिरोध है तो उनको थाने में बैठाओ, उसके बाद बहुत है तो जेल में डालो, यही सरकार का कार्य गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन जिस तरीका से गुंडागर्दी के रूप में सरकार ने यह लाठी चलाने का काम किया है उसको इस राज्य की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि तो राज्य की जनता की आवाज़ लेकर के कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था सरकार के को जगाने के लिए, उनके कुमकर्णी नींद को तोड़ने के लिए जाती है, और आप उस समय उसके ऊपर गोली चला दें, उनकी हत्या कर दें, हत्या करवा दें, हमें लगता है कि पूरा का पूरा यह संविधान और कानून का धज्जी उड़ाना है, जिसको करने का काम सरकार ने किया है। ये कहा जा रहा है, लगातार बीजेपी ये इल्ज़ाम लगा रही है, यहाँ तक कह रही है कि आपको मारने की साजिश रची गई थी। नहीं, देखिए, जिस तरीका से प्रहार हुआ है जी, तो उसमें तो जान जा भी सकता था, लग रहा है आपको कि कोई साजिश थी? मैंने इसमें तो वह तो जाँच का विषय है, लेकिन जिस तरीका से प्रहार हुआ था वह तो पूरे जान से मारने की नियति ही दिख रही थी, वैसा कभी आज तक हुआ भी नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं, एक लंबा समय राजनीति में हम भी विधायी कार्यों से लेकर के और सामाजिक कार्यों में रहा, लेकिन इस तरीका के बर्बरता पूर्वक कार्रवाई कभी हमने न अपेक्षित था, न कभी हम लोगों ने सोचा भी था, न कभी हुआ भी देखा है। क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है? नहीं, सरकार की बर्बरता है। मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में बरसों तक मैं एक कैबिनेट का सदस्य भी रहा हूँ, जब वह सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, हम सब उस समय इस राज्य की जनता को हम लोग यही संदेश देते थे कि नीतीश कुमार जी हैं तो सुशासन है,
लेकिन आज नीतीश कुमार जी हैं तो इतना बड़ा कुशासन और इतना बड़ा क्रूरता हो गया, या मैंने कभी कोई सोचा भी नहीं था। आए दिन अपराधी अपराध कर रहे हैं। पेपरों में आप सबके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री के आवास के बगल में मंत्री और उसके जो अधिकारी उनके आवास के बगल में हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, उन पर उनका कोई प्रतिबंध नहीं रह गया। ये बताइए कि उस दिन की पूरी वाकया क्या हुई थी, कैसे आप वहां पर फंस गए, किस तरह से, क्यों, मतलब कुछ तो गलती हुई थी जो पुलिस ने इस तरह से मारा। नहीं नहीं, पुलिस की गलती, और पुलिस स्वयं गलत मैंने कटघरे में खड़ी थी, तो उसके लिए 50 अर्थकंडा भी बनाने का काम कर रही है। पहले से जो निर्धारित था विधानसभा मार्च, बिहार की जनता को इस कुमकर्णी सरकार के आँख और कान को खोलने के लिए तो पहले से निर्धारित था, उसको अगर था तो गांधी मैदान से आउट नहीं होने देती। डाकबंगलों के पास नहीं, डाकबंगला के पास ही अब कार्रवाई हुई है। तो यह कार्रवाई तो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है। एक कार्रवाई हमें लगता है कि कहीं भी ना संविधान, ना नियम, ना पुलिस मैनुअल कहीं भी नहीं कहता है। वहाँ पर आपके जो समर्थक थे वो चीख चीख के कह रहे थे कि ये एमपी साहब हैं, चीख चीख के कह रहे थे, अरे सांसद जी हैं, तब भी पुलिस इस तरह का सलूक कर रही है। यही ना बर्बरतापूर्वक है, यही ना मैंने चौपट नगरी का, यही ना मैंने जीता जागता उदाहरण है। यह चौपट व्यवस्था है, कोई आपके पत्रकार भी कितने लोग पिटाए, कितने लोगों को, यहाँ हमारे महिलाएं बहने को भी लोगों ने नहीं बख्शा। यानी ये सत्ता के मद में इतना चूर हो गए हैं कि इनको अपने आगे कोई दूसरा दिख नहीं रहा। अच्छा जनार्दन जी, आप तो यहाँ पर एडमिट हैं अभी, आपको मालूम नहीं होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि आप बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने भी कहा है कि जब कोई अगर अनुशासन का पालन नहीं करेगा, जब कोई नियम तोड़ेगा, तब तो हम लाठी बरसाएंगे ही बरसाएंगे। कहाँ कहाँ आपने देखा, वहाँ कौन पुलिस थी, कौन पुलिस वाले थे, वीडियो बहुत वायरल, कोई वायरल नहीं हो रहा है। अपने सत्ता बचाने के लिए और सत्ता के मद के चूर को छिपाने के लिए सारी बातें हैं। वहाँ उनके कौन पुलिस थी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, अगर उसके वो पुलिस वाले कौन थे वहाँ, कौन थे वहाँ पुलिस वाले, जरा उसको बताते दें कि कौन पुलिस वाले थे वहाँ। नहीं, बैरिकेडिंग दिख रही है। नहीं नहीं, गलत है। अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे हैं, आपको मालूम होगा कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पटना डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मिर्ची का स्प्रे किया गया, ये भी बताया कि जो नियम थे उसका उल्लंघन किया गया। पूरा का पूरा उनके अनुसार, हमने कहा ना कि यही मद में चूर की बात है, सत्ता और मद में चूर की बात है, जो चूर होकर करके हर जो नियम कानून को ताक पर रख करके वह जो कह रहे हैं सो सही है, और जनता के सामने जो दिख रही है सो गलत है। जनता के आवाज़ को दबाने के लिए लाठी गोली की सरकार न कभी चली है, न यह सरकार चलेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे जनार्दन जी। देखिए, उस दिन का पूरा वाक्या उन्होंने आज हमें बताया है, सिलसिलेवार ढंग से बताया है कि क्या कुछ घटा था, सब कुछ बताया है। और आपने देखा, आपको बता दें कि आपने इस इंटरव्यू में देखा भी, सुना भी कि वो जांच टीम जिसका गठन जेपी नड्डा ने किया था, वो जांच टीम भी कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी, हालचाल भी उन्होंने लिया था जनार्दन जी से, और उसके बाद क्या कुछ बातें हुई हैं वो भी आपने इस इंटरव्यू में सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।